बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग लोगो बनाना सीखा था हम लोगों ने। आज हम लोग एक लोगो बनाते हैं। मैं पहले आपको लोगो की टाइप्स बताती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लोगो बनाएंगे। लोगो के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि लोगो का जो साइज होता है आर्टबोर्ड का, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, लोगो का जो साइज होता है वो होता है 500 × 500 पिक्सल। ठीक है, आप इसको पिक्सल्स के फॉर्मेट में बनाओगे, बट जब आपके क्लाइंट की डिमांड होगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको 500 × 500 में क्रिएट कर रही हूँ। ये हमारे पास एक 500 × 500 का आर्टबोर्ड आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लोगो है उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। वैसे तो जो हमारी जो मेन टाइप है वो है कॉम्बो, एब्स्ट्रैक्ट, उसके अलावा एम्बलम और मैस्कोट लोगो। ठीक है, ये जो मेन टाइप्स है वो ये हैं। बाकी इसकी मजीद भी टाइप्स हैं जो कि इनसे मिलजुल के बनी है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिक टाइप्स जो कि जानी जाती हैं, यानी जिनके बारे में लोगों को नो हाउ है और जिनसे मिलके बाकी सारी टाइप्स भी बनी है, वो ये हैं। एक तो वर्ड मार्क लोगो, जिसमें हम सिर्फ वर्ड्स को यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड्स मतलब अल्फाबेट हो गए, करेक्टर हो गए, या आप न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ लिख दें, जस्ट वर्ड्स आएंगे। लेटर फॉर्म, लेटर फॉर्म में सिर्फ अल्फाबेट आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, इस तरीके से। और आगे आ जाता है मोनोग्राम। मोनोग्राम में हम किसी चीज की एब्रिवेशन को यूज करते हैं। ठीक है, HBO, मुझे प्रॉपर इसकी एब्रिवेशन नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल एम हम लोगों ने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल एम का यानी प्रॉपर जो इसका वर्ड है वो है मैकडोनल्ड, तो हम इसको एम के तौर पे जानते हैं। उसी तरह HBO का मुझे लास्ट के दो की एब्रिवेशन पता है, बॉक्स ऑफिस है, एच की मुझे याद नहीं आ रही, बल्कि मैं दिखाई देती हूँ SBO स्टैंड को। होम बॉक्स ऑफिस। ठीक है, ये हमारी एब्रिवेशन फॉर्म होती है जिसको हम मोनोग्राम कहते हैं। ठीक है, मोनोग्राम लोगो कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सैम्बल। ठीक है, सैम्बल में हम किसी भी तरीके का सैम्बल यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये ट्विटर का साइन है, बट अब ये ट्विटर का साइन चेंज हो गया है तो ये सैम्बल में नहीं आएगा। सैंपल में हम कोई भी, मतलब जिसके ऊपर आपको कोई चीज नजर आए, कोई बर्ड हो गया, कोई चीज बनी हुई, मतलब कोई रिमोट, कोई साइकिल, इस तरीके की चीजों को कहते हैं सैंपल, सैंपल लोगो। उसके बाद मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली शेप्स यूज होती हैं। ठीक है, किसी भी तरह की शेप होगी वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो में आएगा, या डायनेमिक्स से भी मिलता जुलता ही है। तो उसके बाद मैंने मैस्कोट बताया था। मैस्कोट में होता है कार्टून करेक्टर। मैस्कोट में सिर्फ कार्टून, या अगर आप अपने फेस को ही लोगो बनाना चाह रहे हो तो अपने फेस की ड्राइंग को कहा जाएगा मैस्कोट डिजाइन। उसके बाद है एम्बलम्स लोगो। एम्बलम का मतलब है, एम्बलम लोगोस जो बनाए जाते हैं वो गॉड और गॉडेसेस के लोगो बनाए जाते हैं। मतलब एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारे लोगोस, जो चीजें यानी रह गई हैं या जो उनके निशानात रह गए हैं, उनके ऊपर अगर कोई लोगो बनाना हो, या कोई हिस्टोरिकल हो उसके ऊपर कोई लोगो बनाना हो, वो एम्बलम में यूज होगा। उसके बाद आ जाता है कॉम्बो। कॉम्बो में आप इनमें से कोई भी एक लोगो यूज कर सकते हो और उसके साथ आपका वर्ड मार्क लोगो आएगा। ठीक है, मतलब आप दो, किसी भी दो तरह के लोगो को मिक्स करके बनाएंगे वो कॉम्बो लोगो कहलाएगा। उसके बाद डायनामिक। डायनामिक में एब्स्ट्रैक्ट भी आता है और वर्ड मार्क भी आता है। वैसे डायनामिक में आपके जो मोस्ट ऑफ डायनामिक होते हैं उसमें शेप्स होते हैं, शेप्स और वर्ड मार्क आ जाता है, हमारे पास कोई राइटिंग आ सकती है। तो ये बेसिक हमारी सारी लोगों की टाइप्स थी। बट आपने ये भी चीज नोट की होगी कि मैस्कोट में भी हम सिंबल भी यूज कर रहे हैं,
और राइटिंग भी यूज कर रहे हैं। अब ट्विटर का जो सैम्पल है, सैम्पल तो यूज होता है, बट सैम्पल के साथ साथ आप राइटिंग भी तो यूज करते हो। अब ये नाइक का साइन है, आपने अक्सर देखा होगा कि ये टिक के साइन के साथ नाइक का जो पूरे का पूरा सिग्नेचर है वो भी होता है, ठीक है। HBO के साथ भी पूरी की पूरी एब्रीवेशन भी लगती है। तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये सारी की सारी जो लोगों की टाइप है ये वैलिड है। हम एक एक पे रिलायबल होके नहीं रह सकते। हमें यानी क्लाइंट की जो डिमांड है, क्लाइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलना पड़ेगा। हर एक लोगों के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हर एक लोगों के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्बलम की मैं अगर बात करूं, एम्बलम में हमारी हिस्ट्री रिप्रेजेंट की जा रही है, या किसी के गॉड गॉडेसेस जो देवी देवता होते हैं उन आप इसके ऊपर बना हुआ भी देख सकते हो। ये किसी की गॉडेसेस है, मतलब देवी जिसको बोलते हैं, तो यानी उर्दू हिंदी में तो देवी बोलते हैं। खैर, तो जो इनके लिए मकबूल है, या जो हिस्ट्री होगी ना पीछे, एक पूरी की पूरी स्टोरी होगी। अब कोई आपके पास लोगो बनवाने आता है, वो अपने ब्रांड को पहले रिप्रेजेंट करेगा, अपना आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। जब क्लाइंट आपके पास आएगा, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर किसी क्लाइंट ने आपसे लोगो बनवाना है, तो वो सबसे पहले अपने लोगो का कॉन्सेप्ट बताएगा। लोगो का कॉन्सेप्ट मतलब वो अपनी स्टोरी बताएगा कि उसकी जो बिजनेस की जर्नी है, या जो उसके बिजनेस की पीछे वो हिस्ट्री है, जो वो आज से इस स्टेप तक पहुंचा कैसे है, वो आपको सारी हिस्ट्री बताएगा कि और आगे बिजनेस की डिटेल्स भी बताएगा। मतलब वो बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहा है और किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अपने बिजनेस की डिटेल, अपने बिजनेस की हिस्ट्री, और उसके पीछे उसका जो मोटिवेशन है, जो उसकी अंदर का कॉन्सेप्ट है कि वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाह रहा है, इससे लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा। तो ये चीजें वो बताएगा, उसके बाद आप लोगों ने उसका लोगो बनाना है। उसके सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसका लोगो बनाएंगे। तो ये आपको क्लाइंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेम वो बता देगा और पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी वो बता देगा। फिर उसके बाद आप उसका लोगो बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि टाइप कौन सी। अच्छा चलिए, अब हम लोगो बनाते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइप का हम लोगो बना लेते हैं अभी, या जिसका बना हुआ है वो हम रिपीट करते हैं। और कुछ हम लोगों ने अब पेन टूल पे ज्यादा ग्रिप करनी है, तो हम पेन टूल पर ही फोकस करेंगे। जो भी चीज हम बनाएंगे पेन टूल से बनाएंगे, ताकि आपकी पेन टूल पे ग्रिप हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल ट्विटर का लोगो है, यहाँ पर ट्विटर का लोगो है और नाइक का लोगो है। ये तो जस्ट आपके अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। ये मैस्कोट है, ये भी अल्फाबेट यानी आपकी राइटिंग है, और एक डायनेमिक शेप है, इसमें दोनों मिलके आ जाएंगे। और ये एम्बलम है, ये हम किसी कोई हमारे पास हिस्ट्री होगी उसके अकॉर्डिंगली ही हम बना सकते हैं। तो अभी एक ट्विटर का साइन बनाते हैं, जो कि ओल्ड था, न्यू वाला भी बना लेते हैं, और एक बनाते हैं नाइक का। तो यहाँ से हम लोग पिक्चर ले लेते हैं ट्विटर की, जो ट्विटर का ओल्ड आइकन है। अब तो इसका जो न्यू आइकन है वो है एक्स का साइन, ये अब ट्विटर का न्यू जो लोगो है वो है। तो इसको भी मैं कॉपी कर रही हूँ, कॉपी इमेज करके यहाँ पर मैं कर दूंगी पेस्ट, ठीक है। ये ट्विटर का न्यू आइकन आ गया। अब ट्विटर का ओल्ड वाला आइकन कॉपी कर रही हूँ, ये भी मैंने कॉपी किया एडोब इलस्ट्रेटर में, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको नाइक बोला है, मैं यहाँ पर नाइक लिख रही हूँ। आज गूगल की एनिवर्सरी है। नाइक का बेसिकली जस्ट ये एक टिक का जो चेक का मार्क है वही है। बेसिकली नाइक के जो शूज बने थे वो स्पोर्ट्स के लिए बनाए गए थे। नाइक के जो शूज हैं वो स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट हैं, और स्पोर्ट्स में जो हमारा, हाँ, 25th, वालेकुम अस्सलाम, जो इसीलिए इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए हॉकी का साइन यूज किया हुआ है। मैंने बताया ना, लोगों के पीछे पूरी कंपनी का, एक बंदे का कॉन्सेप्ट होता है, एक मोटिवेशन होती है, एक इंस्पिरेशन होती है। लोगो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। माइक पर क्लिक करें। चलें, अब सबसे पहले हम ये ट्विटर का साइन बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको सेंटर में लेके आ रही हूँ। पहले मैं इसका फुल 500 x 500 के अकॉर्डिंगली इसका साइज सेट कर लेती हूँ।
अच्छा ये मैं साइन को ले आई हूँ सेंटर में। अगर कोई आपके ग्रुप में इनकी हेल्प कर सकता है तो काइंडली आप इनकी हेल्प करेंगे, ज्वाइन कैसे करना है क्लास को? ग्रुप में अगर काइंडली आप में से कोई हेल्प कर सकता है तो इनको मैसेज पे बता दें। अब मैं यूज कर रही हूँ पेन टूल, ठीक है। मैंने पेन टूल आपको बताया था कि ये कर्व करने के लिए बेस्ट है, ठीक है, कर्व करने के लिए और शेप्स बनाने के लिए बेस्ट है। सो भी मैंने पेन टूल सिलेक्ट कर लिया है और कलर भी मैं साथ ही सिलेक्ट कर लूंगी। मुझे पहले आउटलाइन बनानी है, सो मैं ब्लैक कलर अपने स्ट्रोक में कर रही हूँ, ठीक है। और स्ट्रोक का साइज भी मैं बढ़ा रही हूँ, स्ट्रोक यहाँ से मैं एक डॉट लगा रही हूँ और स्ट्रोक का फिर मैं साइज बढ़ा दूंगी। अच्छा ये फिल में हो गया है, मुझे स्ट्रोक में कलर करना है, तो मैंने स्ट्रोक सिलेक्ट कर लिया और स्ट्रोक में ब्लैक कलर कर दिया और स्ट्रोक का साइज कर दिया 2, क्योंकि मेरा जो इमेज है वो हैवी है, तो मैं इस वाले को डिलीट कर रही हूँ। और यहाँ से अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉर्नर से, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देन मुझे जहाँ पे कर्व चाहिए, जहाँ तक कर्व चाहिए मैं वहां पर क्लिक करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक क्लिक किया और अपने हैंडल को मूव कर रही हूँ जैसे मैं मूव करना चाहती हूँ, जिस शेप में मैं ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अभी भी ये मुझे थोड़ा सा जो स्ट्रोक है वो बारीक लग रहा था, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ, बाद में इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ, नेक्स्ट कर्व मुझे यहाँ तक चाहिए बट मैं इसको हाफ कर्व कर रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट मुझे जहां तक कर्व चाहिए, पहले मैं एंकर पॉइंट पर क्लिक करूंगी, मैं यहां तक बनाऊंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा सर्कल हमसे बन पाएगा, तो मैं इसको कंट्रोल जी कर रही हूँ, मैं इसको हाफ ड्रॉ करूंगी। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं सेंटर में कर रही हूँ उसको, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा मैं हाफ ड्रॉ कर लूंगी ताकि मुझसे इजीली ये ड्रॉ हो जाए, ठीक है। यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया, देन अगेन मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ तक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया सिंपली। उसके बाद अगेन मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, आप में से कोई मैसेज पे बता रहा है? एक सेकेंड इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ काइंडली आप स्क्रीनशॉट लेके उनको अगर सेंड कर दें तो। चल मैंने उनको बता दिया, हम आगे ड्रॉ करते हैं। अगेन जब आपने जिस स्टेप पे छोड़ा था आपने उसी कॉर्नर के एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है, देन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा कर्व कर रही हूँ, उसके बाद अगेन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कर्व किया, अगेन यहाँ से यहाँ तक, अगेन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा, ये मेरे जो स्ट्रोक बड़ा है उसकी वजह से ये जो इसका फेस है वो थोड़ा सा खराब लग रहा है, बट इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं दोबारा एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ, एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं हाफ कर लूंगी थोड़ा सा, ठीक है। मैं पूरा तो ड्रॉ करूंगी तो ठीक नहीं होगा, ये देखें वैसे तो हो रहा है, पूरा भी हो रहा है, बट हम हाफ करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाफ कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, थोड़ा सा कर्व कर दिया, अगेन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
अगेन मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, यहां से यहां तक थोड़ा सा कर्व कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट बताओ यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ तक क्लिक कर रही हूँ, अगेन यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, थोड़ा सा कर्व कर दिया। अगेन यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, अगेन नेक्स्ट कर्व है ये, ठीक है। अगेन यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, अगेन यहाँ से यहाँ तक। चले, ये हमारा सारा ड्रॉ हो गया। अब जो जो कॉर्नर्स खराब है हम जरा उनको ठीक कर लें, वो हम करेंगे कर्वेचर टूल से। कर्वेचर टूल को पकड़ा यानी क्लिक किया कर्वेचर टूल पे, देन यहाँ से ये जो मेन हमारा आ रहा है मसला ये ठीक करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व होना चाहिए ऐसे, और ये भी मेरे ख्याल से कॉर्नर, इस पे क्लिक किया एंकर पॉइंट पे, थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दिया। उसके बाद ये मेरे ख्याल से लाइन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इधर से देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ये भी ठीक है। चलें, दोबारा सिलेक्शन टूल पे गए। अभी मैंने जस्ट इसकी आउटलाइन बना ली है, ठीक है। अब आउटलाइन मैंने बना ली है, इसके पीछे जो पिक्चर थी वो ये है, ये सिर्फ मैंने इसका स्ट्रोक बना लिया है। मैं इसको कर रही हूँ सिलेक्ट, अभी इसका सिर्फ स्ट्रोक है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रोक है। मैं फिल को क्लिक करूंगी, आईड्रॉपर टूल पिक किया मैंने, ये कलर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिंपली मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया, ले हमारा आइकन रेडी, ठीक है। सिंपल हमारा आइकन रेडी, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया सैम्पल लोगो, ठीक है। इसके ऊपर हम टाइप टूल से यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि ये सैम्पल टूल सैम्पल लोगो है। स्पेल करते हैं चेंज, चलिए हमारा सैम्पल लोगो रेडी। अब नेक्स्ट मैं अगेन 500x500 पिक्सल का एक साइज ले रही हूँ, ठीक है। नया आर्टबोर्ड, ये न्यू आर्टबोर्ड आ गया। नेक्स्ट लोगो हम बना रहे हैं नाइक का, ठीक है, बल्कि ट्विटर का ही नेक्स्ट जो हमारा न्यू लोगो है, ये भी पेन टूल से बनेगा। ये लाइन टूल से नहीं बनेगा, ये शेप टूल से नहीं बनेगा, ये पेन टूल से ही बनेगा। वैसे लाइन टूल या शेप टूल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। शेप टूल से अगर बनाना है, पहले लाइन हम एक बना लेंगे, बट लाइन के जो कॉर्नर्स हैं वो इस तरीके से नहीं आते। जो मेन हमारी थिंग है उसके कॉर्नर्स इस तरीके से नहीं शो होंगे, तो इसके लिए हम रेक्टेंगल टूल यूज कर सकते हैं। एक मैंने छोटा सा रेक्टेंगल बनाया जिसकी विथ मैं इसके अकॉर्डिंगली लूंगी। मैं जस्ट अभी स्ट्रोक कर रही हूँ उसका, और वो भी ब्लैक कलर में। यहाँ से स्ट्रोक को ऊपर से क्लिक किया, देन स्ट्रोक ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी विथ के अकॉर्डिंगली जो मेरा बॉक्स है वो मैं बना रही हूँ, इसकी विथ के अकॉर्डिंगली बनाऊंगी, और यहाँ से भी मैं इसकी इसकी मेजरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली करूंगी, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। विथ थोड़ी इसकी बढ़ा देती हूँ, इसकी विथ के अकॉर्डिंगली बन गया। वैसे तो ज्यादा ही हो गया क्योंकि मैंने इसकी विथ जो है, स्ट्रोक जो है वो बढ़ा दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अब कम करने के बाद मैं अगर इसको रोटेट कर भी दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर रही हूँ रोटेट, ये मेरा रोटेट का साइन, मैं स्ट्रोक कम करती हूँ फिर शो होगा। ये देखें रोटेट का साइन, अगर मुझे शो हो भी जाए तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा ये कॉर्नर्स है, मैं इसका कलर करती हूँ वाइट, हमारे जो ये कॉर्नर्स हैं वो इस तरीके से नजर आ रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रेट नहीं नजर आ रहे। उसके लिए आप लोग यहाँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे एंकर पॉइंट्स को मूव करने में हेल्प करता है।
या कर्वेचर टूल, अगर आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे ये काम नहीं हो रहा तो आप इसको कर्वेचर टूल से ठीक कर सकते हो। ये देखिए, कर्वेचर टूल से हम कहीं पर भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैंने इस कॉर्नर से इसको ड्रैग किया, इस कॉर्नर से इसको सिलेक्ट करेंगे फिर ड्रैग करेंगे, ठीक है? सिलेक्ट कर रही हूँ फिर ड्रैग कर रही हूँ। अब मैं इसकी आउटलाइन बना सकती हूँ, बढ़ा भी सकती हूँ, ठीक है? इसका स्ट्रोक है और स्ट्रोक के साथ साथ इसका फिल भी है। ओहो, मैंने इसका साइज स्मॉल कर दिया, मुझे साइज का बढ़ाना था, ठीक है? ये ब्लैक कलर हो गया। मैं जो पीछे वाला है उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रही, मैं अपने अकॉर्डिंगली कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 500x500 पिक्सल के अकॉर्डिंगली बनाना है, ठीक है? अभी इसका कलर मैं कर रही हूँ ब्लैक, और इसके फिल का कलर भी हमें करना है, जो कि मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करके फिल का कलर व्हाइट कर रही हूँ, ठीक है? अब जो नेक्स्ट लाइन है वो भी ऐसे ही बनेगी, नेक्स्ट जो लाइन है वो भी बॉक्स से ही बनेगी। मैं यहाँ से एक बॉक्स छोटा सा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ जिसके फिल में कलर होगा। मैं फिल को पहले बिनन कर रही हूँ और स्ट्रोक को फिल में चेंज कर रही हूँ। ये इसके फिल में कलर है, और मैं इस बॉक्स की जो विथ है उसके अकॉर्डिंगली सेट कर रही हूँ, ऊपर वाले कॉर्नर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है? इस तरीके से अब इसको मैं कर दूंगी रोटेट। सॉरी, मैंने सिलेक्शन टूल नहीं प्रेस किया, सिलेक्शन टूल प्रेस करके मैं इसको रोटेट कर दूंगी इसके अकॉर्डिंगली, इस तरीके से। देन मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से सेट, सेम वही कर्वेचर टूल आप सिलेक्ट करो, कर्वेचर टूल सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी शेप ठीक करो, यहाँ से जहां तक है वहां तक जाए, फिर उसके बाद ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ तक, फिर उसके बाद ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ तक, ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रही हूँ, ये बिल्कुल फिल था, ठीक है? अब ये दोनों हम लोगों ने बना लिया। एक सेकेंड, जो पीछे पिक्चर है उसको मैं कर रही हूँ साइड पे। अब आप लोग इसमें डिफरेंस देख सकते हो, अच्छा अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये ऊपर नहीं है। मैंने इसीलिए इसके फिल में कलर किया था कि मैं इसको बैक साइड पे अगर करूँ तो ये इसके नीचे छुप जाए, तो इस वाले को पहले तो मैं इसके साइज के अकॉर्डिंगली करूंगी, ये इसके साइज के अकॉर्डिंगली नहीं है। थोड़ी सी इसकी विथ भी बढ़ेगी और थोड़ी सी इसकी हाइट भी बढ़ेगी, मैं इसको ये इसकी विथ के अकॉर्डिंगली सेट करूंगी। मेरे ख्याल से यहां तक ठीक है, उसके बाद इस कॉर्नर को तो पहले मैं यहां तक सेट कर लूं, फिर उसके बाद इसको भी यहां पर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है? स्ट्रेट गाइड्स में ही होना, पर ये बता नहीं रहा, ठीक है? ये मैं स्ट्रेट हो गया। अब इसको कर देंगे राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पर जाके सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है? अब ये देखते हैं हमारा लोगो रेडी। ये ट्विटर का न्यू लोगो है जो के मोनोग्राम में आ जाता है या तो आ जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है? अब मैं इसको ग्रुप करके थोड़ा सा स्मॉल कर रही हूँ, ये देखिए मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। अब स्मॉल करने से आप देख रहे हो कि जो इसकी विथ थी वो थोड़ी ज्यादा लग रही है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल हम लोगों ने कर दिया है। तो अगर मैं इसको अनग्रुप करके इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करूं, मतलब इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर दूं, तो ये थोड़ा बेहतर लगेगा, ठीक है? ये लो, अब फिर से इसको ग्रुप कर रही हूँ। ग्रुप मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर गलती से हमसे कोई चीज क्लिक हो जाए या कोई मसले मसला आ जाए तो वो ग्रुप रहे, किसी एक चीज को अफेक्ट ना करे। तो टाइप टूल लेकर यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लोगो या मोनोग्राम लोगो, मोनोग्राम, ठीक है? मोनोग्राम लोगो, ये मोनोग्राम लोगो आ गया। चलिए इसको कर रही हूँ मैं डिलीट, या वर्ड मार्क लोगो भी इसे कहा जा सकता है। वर्ड मार्क क्या लेते हैं, सॉरी वर्ड मार्क नहीं, लेटर फॉर्म मेरे ख्याल से आएगा, लेटर फॉर्म आएगा।
लेटर, ठीक है, ये लेटर फॉर्म लोगो हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो। इसको भी मैं सेंटर में कर रही हूँ, फाइल पे जाके न्यू 500 x 500 पिक्सल्स का एक साइज ले रही हूँ, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो, जो कि हम लोगों ने नाइक का लोगो पकड़ा था, ठीक है, नाइक वाले लोगो को यहाँ पर लेके आ रही हूँ मैं सेंटर में। पेन टूल से पहले मैं इसका जो चेक का साइन है वो ड्रॉ करूंगी। अब नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, तो पेन टूल से ही पहले हम इसका जो साइन है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक किसका कर रही हूँ, स्ट्रोक किसी और कलर का करूंगी ताकि हमें नजर भी आए, फिल को स्ट्रोक में फिल को नन कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज्यादा ही हो गया है, थोड़ा कम कर रही हूँ, ये काफी है। ले यहाँ एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ से थोड़ा सा कर्व मुझे लग रहा आएगा, नहीं ये हमें यहाँ से, मैं डिलीट कर रही हूँ, अगेन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूंगी ताकि आगे से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करोगे ना तो आप लोगों का नुकसान है, बाद में पेन टूल पे ग्रिप ना हुई तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, पेन टूल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है अपने आप में। अभी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे जो आप लोगों को लगेगा कि हमारी मिस्टेक है, मैं अभी क्लियर करवा दूंगी, बाद में हम जब आगे चले गए और आप लोग पेन टूल पे काम करोगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को समझाना। टाइम तो मैं दूंगी इंशाल्लाह, वो आप बेफिक्र रहें, मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, बट आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है ऐसे ये चीज कवर नहीं कर सकेंगे आप लोग। चलें ये मैंने कर्व कर दिया, स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, स्टार्ट करके आप लोग मुझे चेक भी करवाएं। यहाँ से मैं कलर गाइड ओपन कर रही हूँ, ब्लैक कलर कर रही हूँ, और ब्लैक कलर को मैं कर रही हूँ फिल में चेंज, ठीक है। फिल में चेंज करने से पहले मैं इसका जो कर्वेचर टूल से ये जो एंगल्स हैं ये जरा ठीक कर लूँ। ये देखें यहाँ से कर्व ठीक होने वाला है, यहाँ से भी कर्व ठीक होने वाला है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देती हूँ उसको, थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ कर देती हूँ, यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट आएगा, इसको भी स्मूथ किया, इसको भी कर दिया स्मूथ। आपने मुझे PNG फाइल्स नहीं भेजी थी, किसने बनाया था वो, जहरा आपने बनाया था या नादिया, क्या निदा नाम है मेरे ख्याल से आपका, निदा आपने बनाया था, को भी स्ट्रेट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से स्मूथ करना पड़ेगा, थोड़ा सा ड्रैग करके मैं मूव कर रही हूँ। चलिए ये वाला भी हमें स्मूथ करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, चलिए इसको भी स्मूथ करके। अब इसमें कलर कर रही हूँ मैं ब्लैक, स्ट्रोक इसका नन कर दूंगी, ठीक है। ये हमारा नाइक का साइन बन गया, अब साइन तो बन गया है, जो पीछे वाली पिक्चर है उसको भी मैं साइड पे कर रही हूँ। ये देखें ये कॉर्नर थोड़ा सा हमारा खराब है, ये वाला कॉर्नर, इसको मैं कर्वेचर टूल से ठीक करती हूँ, ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ जी। और ये भी थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए,
चलें ये हो गया। अब उसके ऊपर टैक्स लिख देंगे नाइक। नाइक का साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। और पहले जरा इसका फॉन्ट स्टाइल देख रही हूँ, फॉन्ट स्टाइल कौन सा है। तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, पहले इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट स्टाइल देखूंगी। पहली बात तो ये कि ये इटैलिक में है, तो हमारे पास कोई इटैलिक में हुआ तो वो देख लेंगे, अदरवाइज हम लोग इटैलिक में इसको खुद करेंगे, उसका इटैलिक फॉर्मेट हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है मेरे यार, ये भी नहीं है। अच्छा, अगर इनके हिसाब को इस तरीके के फॉन्ट नहीं मिलते तो आप लोगों ने डायरेक्ट गूगल से जाके चेक करना है कि जो आपने फॉन्ट यूज किया है वो एग्जैक्ट है या नहीं। मैं अभी गूगल से देखती हूँ। चले मैं गूगल पे सर्च करती हूँ नाइक फॉन्ट। कौन सा वाला फोन? नाइक। देखती हूँ मैं ये, अगर बिल्ट इन है तो। कॉपी किया, सर्च किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे सर्च करूंगी। नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है तो आप जाए सीधा गूगल फॉन्ट पे, ठीक है। यहां पर मैं कर रही हूं पेस्ट। प्री डाउनलोड, प्री डाउनलोड की किसी भी वेबसाइट पे जाए, इसको करें डाउनलोड, ठीक है। ये यहां से डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड हो भी गया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक के बाद ये देख लें यहाँ पे सारे हैं, मुझे इटैलिक वाला चाहिए, ठीक है। मैं इटैलिक वाला ही डायरेक्ट डाउनलोड कर रही हूँ, इंस्टॉल कर रही हूँ। ये इटैलिक वाला है, मुझे एक एक करके सारे करने पड़ेंगे। वैसे बोल्ड और इटैलिक मिक्स तो नहीं है यहाँ पे, हैवी इटैलिक फॉर्म मेरे ख्याल से यही वाला होगा। ये भी इंस्टॉल कर लिया, डबल क्लिक करें, इंस्टॉल करें। ये बोल्ड फॉन्ट है, ठीक है। अभी जस्ट मैं यहाँ पे अगेन सर्च कर रही हूँ, ये सिलेक्टेड है, यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, अभी नहीं आया, अभी डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। दोबारा से क्लिक कर दिया, दोबारा से यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे खुद लिख लेते हैं। स्पेलिंग क्या थे इसके? स्पेलिंग FUTURA, यहाँ पे कर रही हूँ मैं पेस्ट। ये देखिए आ गया हमारे पास नाइक का, ये लो। मेरे ख्याल से बाकी भी करूंगी तो उनमें से मिलेगा, ये वाला भी नहीं है। अभी मैं यही यूज कर रही हूँ, या सिर्फ बोल्ड वाला कर रही हूँ, बोल्ड वाला यही है। अच्छा, मैं सिंपल अगर ये भी लिख दूँ ना, और अगेन मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, आप यहाँ से इसकी जो फैमिली होती है वो भी आपको यहाँ से नजर आ जाएगी, ठीक
जस्ट इसका जो नेम है फोन का वो लिख रही हूँ और ये वाला लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मैं स्मॉल करके इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। वैसे तो वो उसके ऊपर ही है, हम भी ऊपर कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलेंगे, हमारा नाइक का डाउनलोड हो गया और ये है लोगो बन गया। ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट लोगो, इसका जो साइन है वो थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ है। मीटिंग एंड होने वाली है, नहीं तो इसको ठीक करते हैं। अभी मैं बता रही हूँ जस्ट ये कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लोगो शेप्स के लोगो को बोला जाता है। सो आप लोग शेप्स का भी लोगो बनाएंगे, आपने मुझे सारे लोगों की टाइप्स बना के देंगे। आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने सारे लोगों की टाइप जो टाइप्स है ना वो बना के देनी है। शेप टूल से नहीं बनेगा, शेप टूल से नहीं बनेगा, ये आपका पेन टूल से ही बनेगा। आप इसको पेन टूल से ही बनाए। चले, मीटिंग एंड होने वाली है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोगों ने सारी टाइप्स बनानी है, मैं टाइप्स आप लोगों को सेंड कर दूंगी। मेरा नहीं ख्याल ये है, मैंने आपके सामने गूगल तो किया है। बाकी एक दफा फिर से आप रीचेक कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आप फिर ये वाला फोन डाउनलोड करके खुद से ट्राई कर लीजिएगा।